हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए ये देखिए एक ही कितना प्यारा सा सिंगल कलर का स्वेटर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन आप किसी भी बेबी स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, गर्ल्स टॉप में, लेडीज़ कार्डिगन में, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल डिज़ाइन है और बहुत सुंदर डिज़ाइन है। इसके लिए हमें केवल दो सिलाई का डिज़ाइन बनाना है, जिसमें से एक सिलाई में हम डिज़ाइन डालेंगे और दूसरी सिलाई हम बिल्कुल प्लेन बनाएंगे। चलिए हम अपना डिज़ाइन ये स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, ये डिज़ाइन जो हम बनाएंगे तो इसमें हमें कोई भी सिलाई टाइट नहीं बनानी है, थोड़ा लूज़ बनाना है। ये देखो, ये मैंने वूल लिया है और ये मैं आपको एक छोटा सा सैंपल बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें फंदे डाले हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन हमारा 3 के मल्टीपल्स में डलेगा। हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें एक फंदा सिंपल बनाना है ऐसे। इसको ये हम उतार भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। अब देखिए, ज़्यादा हमें टाइट कुछ नहीं बनाना है। 1 2 3 1 2 3 जो थर्ड नंबर का फंदा है, उस थर्ड नंबर के फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे इसके ऊपर। तो ये हमारा एक फंदा घट गया है। अब हम ये फंदा सिंपल बुनेंगे, थोड़ा लूज़ बुनेंगे। आप चाहें तो सिलाई इसमें 10 नंबर की लगा सकते हैं। अब हम धागा आगे लाएंगे और यहाँ जाली बनाते हुए एक फंदा बना लेंगे। जो फंदा हमने यहाँ घटाया था वो हमारा यहाँ बीच में बढ़ गया है। अब हम फिर से 1 2 3 जो थर्ड नंबर का फंदा है वो हम इसके ऊपर, दो फंदों के ऊपर स्लिप कर देंगे। पहले हम ये फर्स्ट फंदा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे और अब हम ये ऐसे जाली बनाएंगे। तो इस तरह हमारा फंदा घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। इसमें फिर से 1 2 3 थर्ड नंबर का फंदा हम दो फंदों के ऊपर स्लिप करेंगे। अब हम ये वाला फंदा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे और अब ये वाला फंदा ऐसे, थोड़ा लूज़ रखेंगे वरना ये टाइट हो जाएगा। हर बार हमें तीसरे नंबर का फंदा स्लिप करना है और सेंटर में हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ा देना है। अब हमारे पास फंदे दो बचे हैं, 3 नहीं हैं, तो ये दोनों हम सिंपल उतार लेते हैं। उल्टी सिलाई हमारी एकदम प्लेन रहेगी। फिर हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखो, शुरू में हमने यहाँ पर जाली बनी है, ये जाली बनी है, फिर ये जाली बनी है, हर 3 फंदे के, देखो ये बनी है, हर 3 फंदे के, 2 फंदे के बाद हमारी जाली आएगी। तो हमें क्या करना है, इस बार हमें, पिछली बार हमने एक फंदा बनाया था, इस बार एक ये बनाएंगे और एक ये बनाएंगे। इस बार हम 2 फंदे सिंगल बनाएंगे। अब हमें ये जो जाली वाला फंदा नज़र आ रहा है, इसे हम फर्स्ट फंदा मानेंगे। अब 1 2 3 और ये वाला थर्ड फंदा हम इसके ऊपर से ऐसे ही स्लिप कर देंगे और यहाँ से इसको ऐसे बनाएंगे, धागा आगे लाएंगे और ये ऐसे जाली बनाते हुए इस तरह से। फिर देखो, हमारा जाली वाला आ गया, 1 2 3। अब हम फिर से थर्ड फंदे को स्लिप करेंगे, ये बनाएंगे, धागा आगे लाएंगे और ये ऐसे, फिर जाली नज़र आ रही है। अब 1 2 3 थर्ड फंदे को हम फिर से लाएंगे ऐसे
धागा आगे लाएंगे और ये साथ के साथ हम बढ़ाते जाएंगे। और फिर 1 2 3 हमेशा हमें थर्ड फंदे को स्लिप करना है। इतना प्यारा और सिंपल डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन बढ़ता बहुत है क्योंकि थोड़ा लूज़ बनाते हैं तो इसलिए बढ़ता भी ज़्यादा है। ये देखिए इस तरह से। अब फिर हमारी उल्टी सिलाई हमारी एकदम प्लेन बनेगी। इसमें हमें ना फंदा बढ़ाएंगे और ना ही हम घटाएंगे। और इतना प्यारा डिज़ाइन है कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाहे आप इसको केवल 20 फंदों में ही डालकर देख लीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप चाहें तो कैप में भी डाल सकते हैं, कैप भी इसकी बहुत सुंदर बनती है। ये देखिए अब हम फिर से इस बार हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और 1 3। ये हमने 3 फंदे बुने। देखो फिर से हमें जाली वाला नज़र आना ये आ गया। तो अब हम फिर से 1 2 3 थर्ड फंदे को इसके ऊपर स्लिप कर देंगे, ये फंदा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे और यहाँ जाली बनाएंगे। फिर जाली नज़र आ रही है, फिर से थर्ड फंदे को स्लिप करेंगे, ये धागा आगे लाएंगे, ये फिर से 1 2 3। हर बार हमें थर्ड फंदे को स्लिप करना है। ये देखिए अब हमारे पास 3 फंदे हैं, इसमें हम लास्ट वाले को स्लिप कर सकते हैं ऐसे। और ये ऐसे, इसमें हमारा ना फंदा घटेगा और ना ही कोई फंदा बढ़ेगा। ये देखो उल्टी सिलाई हमारी नॉर्मल प्लेन रहेगी। ये देखिए हमने 3 तक बना लिए हैं। अब हमारे 3 के बाद अब हमें नहीं, अब हमें सिंपल 1 फंदा बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट में बनाया था। अब हमारे पास ये देखो जाली से पहले 3 फंदे हो गए, ये जाली का फंदा है ये वाला, तो इससे पहले हमारे पास 3 फंदे बन गए हैं, 1 2 3। तो अब हम फिर से ये वाला फंदा इसके ऊपर स्लिप करेंगे और ऐसे धागा आगे लाएंगे और ये ऐसे। अब देखो ये फिर जाली नज़र आ गई है, ध्यान देना है कि हमें जाली नज़र आनी चाहिए, ये जो होल है ये हमें नज़र आना चाहिए वरना हमारी बुनाई कट जाएगी। ये फिर देखो होल नज़र आ रहा है। थर्ड फंदे को हम फिर से स्लिप करेंगे, बस हमें ध्यान रखना है कि शुरू में हमें पहले 1 फंदा सिंपल बुनना है, फिर 2 बुननी है नेक्स्ट सीधी सिलाई में, और इस बार ये 3 सीधे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बहुत सिंपल डिज़ाइन है। इस बार हमने 1 फंदा बनाया है सिंपल, तो इस बार हम 2 फंदे बनाएंगे। और ये देखो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारा डिज़ाइन है, आप इसको डालेंगे तो आपको ज़रूर ही पसंद आएगा। ये देखो बहुत सिंपल डिज़ाइन है, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा। ये देखिए अगर आपको इसके लिए कोई कमेंट्स होता है, कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से
ये बुनाई आप डाल सकते हैं। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।